45 साल से शरद पवार के साथ खड़े विधान परिषद के सदस्य हेमंत टकले, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए सर। हमारे साथ मौजूद है, 47 साल लगातार पवार साहब के साथ परछाई की तरह वो काम कर रहे हैं, 77 साल उम्र है, लेकिन देखिए बैठक से 4 घंटे पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं। टकले साहब क्या कहेंगे पार्टी में जो चल रहा है फिलहाल? अब कह रहे हैं, वहाँ से कह रहे हैं अजीत पवार गुट की तरफ से कि 42 विधायक मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे? अभी मालूम नहीं उनके साथ कितने विधायक हैं। जो विधायक है उनका ये कहना है कि हमको बुलाया गया, उनको बुला के ये सब किया गया। अभी जब बीच में पार्टी के 25वें साल में होने की जो मीटिंग हुई थी उसमें साहब ने प्रफुल्ल भाई को कार्याध्यक्ष और सुप्रिया ताई को कार्याध्यक्ष बनाया था और सुनील तटकरे जी को राष्ट्रीय ट्रेजरर बनाया था। इतनी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद अगर उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं मिला है तो इनको भूख कितनी है मालूम नहीं, उनको क्या चाहिए, कितना खाना खाएंगे पता नहीं, क्या कर उनकी इच्छा है। चलने दो, उनको चलना है तो चलने दो। पवार साहब का कैसे है, पवार साहब का एक फेमस डायलॉग था, भाकरी फिरौली पाहिजे, रोटी घुमानी चाहिए। ये होता है तो ये रोटी घुमाने की जो बात है वो पवार साहब आज तक करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे और इसी तरह से ये संघर्षमय जीवन उनका चालू रहेगा। हमें सिर्फ ये होता है कि इन लोगों ने ये सब करने से इतना तो ध्यान देना चाहिए, अपने पिताजी को कौन दुख देता है इतना। ये बात ऐसी है कि जिन्होंने इनको बड़ा किया, सब दिया, वही करने लगे तो इसको क्या मिलता। ये थे विधायक हेमंत टकले, इनका ये कहना है कि शरद पवार अब जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और आज की बैठक में अभी देखते हैं कि कितने विधायक शरद पवार के साथ यहाँ पर खड़े रहते हैं। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।